तो दोस्तों दवाई लेके आ गए, बिल्कुल थक गए हैं, इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। गए थे पीलीभीत दवाई लेने के लिए, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं मिला, तो वहाँ से सीधे हम सूरतगढ़ गए। 25-30 किलोमीटर वहाँ से चले, बहुत ज़्यादा सफ़र हमने बाइक से किया। एक तबीयत खराब, ऊपर से इतना सारा सफ़र, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हो गई बारिश, तो सारी बातें हो गई, कहीं धूप थी कहीं बारिश थी, और इतना लंबा सफ़र। और पतिदेव जी सुबह सुबह गए थे हरियाणा, पहले गाड़ी से गए थे, तो वहाँ से आने के बाद दवाई लेने के लिए गए, तो उनके लिए काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, पूरे थक गए। तभी घर आ गए, फ्रेश हो गए, नहा लिए, और मेरी हालत देखी, बिल्कुल बिगड़ी हुई है तबीयत खराब की वजह से। तो ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो दोस्तों अभी हम आए मार्केट, और यहाँ पे फाटक बंद, दवाई लेने के लिए शाम का टाइम है, तो काफ़ी लेट हो गए, पास गुजरे, अभी ट्रेन आएगी फिर फाटक खुलेगा। यहाँ फाटक की प्रॉब्लम पहले भी हमने सस्ती है, बाकी जगहों पे तो अभी पुल वगैरह बन गए हैं, यहाँ पर नहीं बना है। तभी ट्रेन आ गई, चलती है एक बार हॉस्पिटल, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। दोस्तों आज हम आए सब्जी मंडी में, ये सूरतगढ़ की सब्जी मंडी में आपको दिखाती हूँ। अभी अभी बारिश हुई है खूब सारी, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है यहाँ पे, और पतिदेव जी खरीद रहे हैं सब्जी। मेरी तबीयत खराब है तो घूमना फिरना मेरे को हो नहीं रहा है, तो मैं एक जगह खड़ी हुई हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ की मार्केट। बना लिया टमाटर 1 किलो 30 रुपए। मार्केट है यहाँ की, सब्जी मार्केट है जो बहुत बड़ी है, चारों तरफ के लिए दो रोडों पे है। तो दोस्तों अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं, और अभी हम घर जाएंगे, बस फिर निकल गया है, अंधेरा हो गया। पतिदेव जी को थोड़ा सा काम था, काम गए अभी, अभी जूस लिया है। पतिदेव जी ने कहा मेरे को तुमने बिल्कुल बंद कर दिया, डॉक्टर ने जूस पीना है और खिचड़ी दलिया खाना है। बहुत दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, आज दूसरा डॉक्टर मैंने चेंज किया है, ट्रेन भरवाते हैं फिर करते हैं। शाम के टाइम मार्केट का हाल देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा, और बारिश के बाद सड़कों में पानी भर के जगह जगह कीचड़ हो रखा है।